Hello foodies, hope you are safe and healthy. Welcome to Saloni Oil Presents Kachchi Ghani Kitchen. जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ सरसों के तेल से बने खाने की। तो आज मैं सुनंदा अग्रवाल आपके लिए बनाने जा रही हूँ बैंगन की एक डिश विद डिफरेंट स्टफिंग, भरली वेंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें बैंगन को चॉप करना होगा। ये मैंने 5 से 6 बैंगन लिए हैं। इन बैंगनों को हमें पूरी तरह या टिप से नहीं काटना है, एक स्लिट ऐसे लगाना है और एक स्लिट ऐसे लगाना है, लाइक दिस, जिससे इसमें हमें स्टफिंग भरने में आसानी हो। ये मैंने बैंगन को पानी में नमक डाल के अब रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसकी स्टफिंग बनाने के लिए एक ग्राइंडर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे फ्राइड स्लाइस्ड अनियंस। ये जो अनियन है ये रिच इन वाटर होता है और इसमें लेस कार्ब्स होता है, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट इज रिच इन कॉपर एंड आयरन। अब हम इसमें डालेंगे सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स आर फुल ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम। अब हम इसमें डालेंगे पीनट्स। पीनट्स इज अगेन फुल ऑफ फाइबर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, करीबन 6 से 7 गार्लिक के पॉड्स। गार्लिक इज रिच इन विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे, हरा धनिया इज रिच इन फाइबर। आधा मैं डालूंगी, आधा मैं रख दूंगी। और सबसे आखिरी में हम डालेंगे लेमन जूस फुल ऑफ विटामिन सी। हम चाहें तो इसमें सॉल्ट अभी भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे बैंगन में भरेंगे। बैंगन को मैंने नमक के पानी में से निकाल लिया है और अब हम इसकी स्टफिंग को, ये जो स्लिट्स हैं, इनके बीच बीच भरेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसे आप हटा दें। ये मैंने सारे बैंगन स्टफ करके रख लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रखेंगे, थोड़ा वाइट पैन, और उसमें हम डालेंगे सलोनी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल। हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो बाकी बचा हुआ हमने स्टफिंग का बैटर था वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्ची आपके स्वाद अनुसार, क्योंकि आप हरी मिर्च डाल चुके हैं, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इन सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने मसाला जो तैयार किया था उसमें सारे ड्राई मसाले जल्दी डाल दिए, मसाला भुनने का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी फ्राइड अनियंस डाले थे और जब हम फ्राइड अनियंस डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाला भुनने की ज़रूरत नहीं होती। फ्राइड अनियन से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो ये देखिए हमारा मसाला लगभग तैयार है। जब ये आधा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी बचा हुआ धनिया। अब हम इसे धीमी आंच पे करीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे। ये मेरा मसाला थोड़ा भुन गया है। अगर मुझे इसमें थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड करना होगा। अब हम इसमें डालेंगे स्टफ्ड
एग प्लांट्स। थोड़ा दूर दूर डाल रही हूँ मैं जानबूझ के, जिससे मैं इसमें ग्रेवी ऊपर से डाल पाऊँ। और अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। ये मेरी ग्रेवी में कलर आ चुका है, इसका मतलब मेरा बैगन बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, बैगन फाइबर रिच होता है और कैलोरीज में लो होता है, सो एंजॉय कीजिए इस बैगन को, जिसका नाम है बर्ली वेंगी। तो ये थी आज की न्यूट्रिशियस और हेल्दी डिश। और भी बेहतरीन डिशेस के लिए सलोनी कच्ची घानी किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।